सहारनपुर की थाना बेहद पुलिस द्वारा मुठभेड़ के बाद पांच शातिर पशु चोर सलमान पुत्र मक़बूल जीशान उर्फ़ फाना पुत्र शहजाद मोफिक पुत्र शकील शोएब पुत्र इरफान व शमशाद पुत्र शहज़ाद को गिरफ़्तार किया है जिनके कब्ज़े से पुलिस ने तीन तमंचे तीन जिंदा व एक खोखा कारतूस तीन सौ पन्द्रह बोर तथा दो छुरे दो भैंसे व भैंस के दो बच्चे चार फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर के रैपर एक पिकअप गाड़ी व चार बैटरे भी बरामद किए हैं मामले का खुलासा आज एसपी देहात सागर जैन ने किया गया था इसी संबंध में थाना बेहट द्वारा एक टीम गठित की गई और इस घटना पर काम किया जा रहा था और सीसीटीवी कैमरे कैमरेज की भी पुलिस जांच कर रही थी जिसमें एक संदिग्ध स्कॉर्पियो जो व्हीकल है वो इन तीनों घटनाओं के आसपास हमें सीसीटीवी फुटेज में मिली इस घटना इस व्हीकल को जब ट्रेस किया गया तो पाया कि यह जो व्हीकल है वो घटना कर कर एक कार वॉश की दुकान है कोतवाली नगर क्षेत्र में वहाँ पर अपनी गाड़ी छुपा देते थे और उसको वॉशिंग करवा कर जो भी फिर उसको घटना में प्रयोग करते थे इस संबंध में दो लोग इनका साथ देते थे इस घटना को वाहन को छुपाने के लिए यह वाहन पिछले वीक कोतवाली नगर थाना क्षेत्र द्वारा दाखिल भी किया गया था जब इनका वाहन स्कॉर्पियो दाखिल किया गया तो इन्होंने एक नया वाहन पिकअप अरेंज किया और इस संबंध में ये कल सात लोग इकट्ठे होकर तमंचे और कारतूस लेकर नई घटना को अंजाम देने के लिए जब आ रहे थे मुखबिर द्वारा सूचना पर इन इस वाहन को जब इंटरसेप्ट किया गया तो पुलिस पार्टी को देख कर आ, इन्होंने फायर किया इनको पाँच लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से तीन तमंचे तीन जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस मिला है दो लोग वहां सर से भागने में कामयाब हुए हैं इनसे जब पूछताछ सहारनपुर में बकाया भुगतान की मांग को लेकर किसानों ने आज गन्ना भवन के गेट पर धरना प्रदर्शन किया किसानों का आरोप है कि दया शुगर मिल पर किसानों का करोड़ों रुपए बकाया है जिसका भुगतान आज तक नहीं किया गया है जिससे नाराज होकर किसानों ने आज धरना दिया है किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही भुगतान नहीं हुआ तो किसान आंदोलन करने को मजबूर होंगे पाँच तारीख के लिए कहा था कि तारीख तारीख में शुगर मिल चालू हो जाएगी। की जगह इसने पंद्रह तारीख को मुहूर्त करा और उस मुहूर्त का यह है कि इस क्षेत्र के किसानों में जो अस्सी गाँव है किसी किस, किसी भी गाँव में आप जाकर देख लो कि मुंडे के गेहूं कितने बो गए एक तो फसल लेट होगी दूसरे मील लेट होने से जो इन्होंने करोड़ रुपए पिछले साल का दबा रखा सबसे पहले तो जो बयालीस करोड़ रुपए इस पर है उसका प्रबंध जो है आज जिला गन्ना अधिकारी के यहाँ हम लोग आए हैं, जिला गन्ना अधिकारी के माध्यम से उन्हें ज्ञापन भी देंगे और उनसे ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप जो है ना हमारा का भुगतान कराओ बकाया उसके बाद सहारनपुर में नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने आज दोपहर कलेक्ट्रेट से हकीकत नगर चौक तक बनाई जा रही सड़क निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था जल निगम के अधिकारियों से सड़क निर्माण की गुणवत्ता व कार्य पूर्ण होने की समय सीमा की जानकारी ली उन्होंने श्रेष्ठ गुणवत्तायुक्त सड़क निर्माण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने नगर आयुक्त को बताया कि 25 नवंबर तक सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा दो महीने तक खड़ा देवबंद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भन्ेड़ा निवासी ने तीन युवकों पर रुपए मोबाइल व बाइक छीनने और बंधक बनाकर मारपीट कर घायल करने का लगाया आरोप पीड़ित ने आरोपियों के विरुद्ध कोतवाली में तहरीर देकर इंसाफ़ की गुहार लगाई है